नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है सवाल आपके और जवाब हमारे। बहुत सारे आपके सवाल हैं तो उनको ध्यान से आप सुनिएगा, एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा। और एक बहुत जरूरी खबर कि मैं अब आपके मोबाइल पे 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक 12:30 बजे तक ही जवाब दूंगा, उसके बाद मोबाइल नहीं चालू होगा, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और व्हाट्सएप में सिर्फ आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपनी प्रॉब्लम और रोल नंबर, ठीक है ना, वही सारी चीज़ें दोगे और कंप्लेन नंबर, इसके अलावा कुछ नहीं। आप हमसे दिन भर ये पूछते रहते हो कब आएगा कब नहीं आएगा, तो भैया मैं डीजी नहीं हूँ और ना मैं डीजीटी हूँ, मैं आपके आवाज़ उठाता हूँ और जो आपकी आवाज़ होती है वो मैं डीजी तक ले जाता हूँ, फैसला डीजी करता है, ठीक है ना। मैं उनको इसके बारे में अवेयरनेस करता हूँ, बताता हूँ, आपकी आवाज़ उठाता हूँ। मेरे ऊपर उंगली उठाने की कोशिश मत करना है आप लोग, शो देखो या ना देखो, शो चलता रहेगा और ये शो जो बनाया है मैंने अपने शौक से बनाया हुआ है, ठीक है ना। गाली गलौज और अभद्रता बिल्कुल भी नहीं, इतना मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो मुश्किल में आओगे ना तो फिर आप आओगे। चलिए आगे आपके सवालों का मैं जवाब देता हूँ। 2017 से 2017, 18, 19, 20, 21, 22 वाले जो भी लड़के हैं, जिनका ध्यान से सुनना, बार बार नहीं बताऊंगा, 2017, 18, 19, 20, 21, 22 वाले जो भी लड़के हैं ईडी प्रैक्टिकल सीबीटी डाटा नॉट अपलोड -1, इनकी प्रॉब्लम डीजी ने सॉल्व किया है। कैसे? 12 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक पोर्टल खोल दिया गया है अप्रूवल के लिए। अब जिनका -1 है उनका उनकी आईटीआई वाला करेगा अप्रूवल, ईडी और प्रैक्टिकल का जो नंबर है वो नोडल करेगा, सीबीटी का इसके बाद कौन करेगा, स्टेट डायरेक्टर टू डीजी करेगा। तो सबका काम जो है तो 10 से 22 तारीख तक लिया दिए हैं, 22 तारीख के बाद से 26 तारीख तक अप्रूवल का काम होगा। जैसे डेटा चढ़ते चले जाएंगे रिजल्ट आपके आ जाएंगे। इसमें यह डेट नहीं है कि आपका आज ही हो गया है तो कल आ जाएगा, इतना हाय तौबा नहीं मचाने का, इतना पुराना है आपका ये जो केस है। तो इस डायरेक्टर ने वीसी का, वीसी मतलब जो है तो होता है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से सारे स्टेट वालों को लिए थे और उनको समझाए और उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे चीजें हुई है, क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने कल के वीडियो में देखा होगा, बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि कौन डीजी से तुम्हारी बात होती है, क्या बात। अब व्हाट्सएप दिखा दिए, आपके आने के पहले उनका मैसेज दिखा देता हूं, किसी को नोटिस नहीं जाती उसके पहले मेरे पास नोटिस चली जाती है। इससे बड़ा मैं हनुमान जी नहीं हूं कि फाड़ करके सीना दिखाऊं, तो देखो या ना देखो, मानो या ना मानो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, है ना, मेरे ऊपर सवाल मत उठाया करो। तो ये मैं आपको बता दिया कि भैया जैसे ही ये अटेंडेंस आ जाएगी आपकी, लग जाएगी, अप्रूवल हो जाएगा तो M1 वाला हो जाएगा और ईडी प्रैक्टिकल का नंबर चढ़ेंगे जैसे तैसे आपका अपडेट हो जाएगा। और ये मेरे को लगता है कि मार्च से अप्रैल लग जाएगा, क्योंकि 26-27 तारीख तक तो वो अप्रूवल के लिए हुए हैं। हालांकि मैंने इस पे डीजी के सामने ये सबूत रखा था कि सर ऐसा बता दीजिए कि ये 12 तारीख है 15 तारीख कर दीजिए और अप्रूवल के लिए 17 दिन कर दीजिए, 17 तारीख कर दीजिए, तो 20-22 को रिजल्ट निकला है, कई लड़कों का एज निकल रही है, अप्रेंटिस वाला मामला है, बहुत सारी मामला है। तो देखो क्या है कि डीजी ऐसी चीजें को नहीं सुनती, कैसे हम बोल दिए तो वो सुन ले, उसके लिए सबूत और सारी चीजें देनी पड़ती है, ठीक है। जब आप लोग यूट्यूब में जा करके कमेंट करोगे और शिकायत करोगे तभी होगा। और हाँ, जिनकी शिकायत नहीं है भैया उनको कुछ नहीं होगी। मैंने क्या बोला, डीजीटी हेल्प डेस्क में जाना है, आपको शिकायत करना है और उसका शिकायत का नंबर हमको देना है, आपको फोटो नहीं देना, मोबाइल भर गया है, जो शिकायत नंबर है नाम देना है, रोल नंबर, शिकायत का नंबर देना है आपको, बस हो गया, बाकी चीजें मैं समझ लूंगा। और 10 बजे से 1 बजे के बीच में ही फोन उठाऊंगा, उसके बाद बिल्कुल भी फोन नहीं उठाऊंगा, मैं इतना बता दे रहा हूं, क्योंकि इसके बाद मेरे को जो प्रॉब्लम रहती है उसका डेटा बनाना पड़ता है, सीट बनानी पड़ती है, मेल करना पड़ता है, जवाब तैयार करना पड़ता है। 24 घंटे काम करता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, और गाली मैं ही सहता हूं, ठीक है। तो भैया फीस तो आईटीआई वालों को देते हो, मजा आईटीआई वाला लूटता है, हमको फीस नहीं देते हो, मैं अपनी जवाबदारी निभाता हूं, ठीक है ना। ये आगे चल गए, अब एक चीज एक आ गई कि सर एग्जाम कब होगा। तो सुनिए, अभी 13 तारीख से लेट ओवर वाला जो लड़के छूट गए थे, सर्वर के कारण छूट गए थे, सप्लीमेंट्री आए हुए थे या कुछ भी उनकी प्रॉब्लम थी, तो अभी वो परीक्षा उनका हो रहा है। जिनका नहीं हो रहा है तो अभी डीजी जो है तो लगे हुए हैं, डीजीटी के पूरे अधिकारी लगे हैं कि रिजल्ट आ जाए, क्योंकि रिजल्ट में बहुत बड़ी समस्या थी। ग्रेस वाला था, करीबन 22 लाख स्टूडेंट का था, तो ग्रेस मार्क था, ग्रेस मार्क भी आप लोग बहुत जल्द हाय तौबा मचाते हो, भैया कोडिंग करनी पड़ती है,
प्रोसेस होता है, टाइम लगता है, और ये डीजीटी नहीं करती है, ये विप्रो का काम है, सॉफ्टवेयर वालों का काम है। डीजी तो आदेश दे देती, तो उसमें टाइम लगता है आपका। तो जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, वो हाय तौबा कर रहे हो, तो उसका नोटिस उन्होंने बोला है कि एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल पे हम बहुत जल्दी नोटिस जारी करेंगे, आप लोग देखते रहो। हर चीज न्यूज पे नहीं आएगी, जो आएगी तो देऊंगा ही मैं। अगर आप रोज हमको देखोगे तो आपको अपडेट मिलेगा ही, नहीं देखोगे 10 दिन और एक दिन आप अपडेट मांगोगे तो नहीं होगा भैया। उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, देखो तो ही आपको मिलेगा, आपको फिर ऐसे जानकारी नहीं मिलेगी, इतना मैं आपको बता दे रहा हूं। तो एग्जाम के लिए थोड़ा सा वेट करो, बहुत जल्दी वो स्लॉटिंग होती है एग्जाम की। एग्जाम कराना ऐसे नहीं है कि आप बोल दो तो कल वो एग्जाम करवा लें, एग्जाम के लिए तैयारी करनी पड़ती है, स्लॉट देखना पड़ता है कब करना है कब नहीं करना है। अभी यूपी में चुनाव हो रहे थे, कैसे कर सकते थे, सारे अधिकारी थे, अब चुनाव खत्म हो गया है तो अब सोचेंगे कब स्लॉट करना है कहां करना है। और सुनिए, उन्होंने कल के नोटिस में मैंने बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट को जितने मीटिंग हुई थी तो उनसे 2 दिन के लिए सुझाव मांगे हैं कि आप दीजिए, सुझाव दीजिए, ठीक है ना। तो अगर आप लड़ोगे तो अपनी चीज पाओगे, नहीं लड़ोगे तो नहीं पाओगे, आपको अपनी आवाज उठाना पड़ेगा। मैं 50 बार बोल दिया कि आप कमेंट करो, वहां जाकर के यूट्यूब में सर देखते हैं, उसकी हम स्क्रीनशॉट भेजते हैं, सर ये देखिए लड़का परेशान है, तो वहां आपको कमेंट करते नहीं बनता है, और आप सोचते हो हर मिनट में 10-10 बार फोन करोगे कि हमारी प्रॉब्लम सुन लीजिए, हमारी प्रॉब्लम सुन लीजिए, तू हमारी प्रॉब्लम क्यों नहीं सुन रहा है, तू बड़ा डीजीटी वाला बन रहा है। अरे भैया, मेरे हाथ में फैसला नहीं होता है, समझ गए आप लोग। नहीं, चलिए आगे बढ़ता हूं। प्रोफाइल अपडेट के लिए बात हो रही थी, तो कि किसका होगा किसका नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा देखिए प्रोफाइल अपडेट के लिए कल बोल दिए, कल मैंने मैसेज आपको दिखा दिया था, उसमें उन्होंने बोल दिया है कि जो बीच में बाधा आ रही थी, बहुत सारे चैनल से गुजरना पड़ता था, वो चैनल सारे तोड़ दिए हैं, अब सिर्फ आप अपने नोडल पे आईटीआई पे जैसे होगा डीजी पे तो वो तुरंत का तुरंत अपडेट हो जाएगा, बहुत जल्दी आगे चल करके काम होगा, जो अभी तक हो रहा था वो अब छोड़ दीजिए, अब आगे बहुत जल्दी अपडेट होकर के सारे काम आपके हो जाएंगे, चलने लगेंगे। अब सवाल आता है कि 118,157 जो फेल स्टूडेंट है वो कहाँ हैं स्टूडेंट, ठीक है वो तो मेरे पास है नहीं, कुछ हैं जो आए हुए हैं जो पूछ रहे, मैंने उनको सबको बोल रहा हूँ कि आप अपनी आवाज उठाइए। देखिए, आप हार जाओगे, ये मैं जानता हूँ कि हार जाओगे, सबूत देना पड़ता है भाई साहब, जैसे ग्रेस मार्क वाला है तो मैं बता दूं कि एक मैं ही आवाज उठाया था, सारे सबूत देना पड़ता है, हर चीज आपको वीडियो में नहीं दिखाई जाती, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, हर चीज का प्रोटोकॉल होता है, हर चीज ओपन नहीं किया जाता है, कोर्ट के आदेश थे कि जैसे 10वीं 12वीं के लड़कों को आपने पास कर दिया था, ग्रेड सिस्टम दे दिया था उनको, तो और तो उन्होंने जवाब दिया कि उनका जो दिया तो वो सेशनल मार्क उनका उसके कारण से हमने पास किया है, तो हमने उनको बोला कि सर जब थ्योरी और वर्कशॉप में आप पास कर दे रहे हो जिसमें लड़का पढ़ने जाना है उसको तो घर में भी पढ़ सकता था, और जो प्रैक्टिकल करेगा जब तब तभी तो वो जानेगा ना, जब आईटीआई खुलेगी, जब आईटीआई खुली नहीं तो ईडी प्रैक्टिकल कैसे करेगा वो, और ईडी प्रैक्टिकल को आप कह रहे हो, ईडी प्रैक्टिकल तो सबसे बड़ा टफ चीज होती है, तो इस पे आप गंभीरता से सोचिए। तो आप जब आप आओगे YouTube पे आकर के आप बोलोगे कि हमको अपील करोगे, डीजी को अपील करोगे तभी तो होगा, और शिकायत करो, शिकायत में आप अपनी चीजें बताओ उनको, लड़ोगे तभी पाओगे, नहीं लड़ोगे तो नहीं पाओगे। और हर चीज का मेरे को कोर्ट का आदेश निकालना पड़ता है, बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ती है, उनके सामने काउंटर रखना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है, ऐसे नहीं आ जाता है भाई साहब कि ट्विटर पे दुनिया चल गई, यूट्यूबर ने बोल दिया, आईटीआई वाले ने मेल कर दिया, ऐसा नहीं होता है, हर चीज का काउंटर करना पड़ता है, सवाल के आपको जवाब उनको ढूंढ करके देना पड़ता है, तब होता है। और जो 2-3 महीने से हो रहा है ना, तो जानने वाले सब जानते हैं, यूट्यूबर भी जान रहे हैं, आईटीआई भी वाले जान रहे हैं, गवर्नमेंट भी जान रहे हैं कि जब से आईटीआई टास्क हुआ है तब से काम बहुत तेजी से हो रहा है, होते चला जा रहा है। तो ये जो फेल वाले स्टूडेंट हैं, ये अभी हमारे पास 1 लाख जिस दिन पहुंच जाएंगे लड़के ना, 1 लाख की फौज हो जाएगी ना, तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो भाई साहब एक हो जाओ, और जो बच्चे पास हो गए हो वो इनको साथ दे दो, आईटीआई वालों को भी बोल रहा हूं कि बच्चे जो फेल हुए हैं तो आप लोग आइए भाई, आवाज उठाइए, आप लोग आवाज उठाने के लिए आप टॉक शो देखिए, टॉक शो देख करके उसमें आप कमेंट करिए, उसमें कमेंट करेंगे आपके कमेंट को मैं उठा करके डीजी को भेजूंगा कि देखिए सर, और वो खुद देखते हैं। तो आप लोग इस चीजों को समझो, और नहीं समझना है तो मैं क्या करूं, मेरा काम है आपकी आवाज जो आती है उठाना, उठा दूंगा मैं, और उठाते चला जा रहा हूं, मेरे में कमी नहीं है, कमी आप में है, और डीजी में भी कमी नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो जायज है वो चीजें उन्होंने कर दिया, जो नहीं है जायज उसके लिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा। कई चीजें उन्होंने रूल रेगुलेशन से उठ करके काम किया, जैसे ग्रेस मास्क नहीं मिलता था 2018 में बंद हो गया था, ठीक है, लेकिन ग्रेस मास्क दिए वो, ईडी प्रैक्टिकल में इसके पहले 18 में दिए, 14 में दिए, 15 में दिए, मैंने सबूत भेजा, आपके कहने से नहीं होता है, जितना मेहनत मैं करता हूं ना उतना सैदा मेहनत करता होगा, 28 घंटे काम करता हूं मैं,
24 घंटे तो ये होता है, 24 घंटे में 28 घंटे काम करता हूं भाई साहब, रात को नींद में सपने में भी। अब बताइए, दो रात को 2:30 बजे शूटिंग खत्म होगी, एडिटिंग होगी, 3:30 बजे तक में मैं सोने जाऊंगा, 3:30 बजे, और 7 बजे मेरे को वीडियो डालने के लिए, 8 बजे मैं वीडियो डाल देता हूं, तो सोता कब हूं? सोता ही नहीं हूं। आपको मैं ये बताऊं, 24 घंटा होता है, मैं 28 घंटे काम करता हूं भाई, 4 घंटे और। तो आप लोग समझिए आप इस बात को, अगर लड़ोगे तो पाओगे, नहीं लड़ोगे तो नहीं पाओगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। रिजल्ट अपडेट कब होगा? रिजल्ट आपका जब आप शिकायत करोगे और आपकी सुनवाई सही पाई जाएगी तो रिजल्ट अपडेट होगा, अगर आप नहीं करोगे शिकायत तो रिजल्ट आपका अपडेट नहीं होगा। कब होगा डेट ये अभी नहीं बताए हुए हैं, और जल्दी उस पर कार्रवाई होगी, ठीक है? तो आप शिकायत करिए, आप अपनी जब शिकायत करेंगे तभी ना कुछ होगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि यूट्यूब में आप कमेंट करिए, मैं आपकी आवाज उठा रहा हूं, कर ही रहा हूं, ठीक है? और ये जो देख लीजिए, हीरो होंडा का 23 मार्च का आया है 9:30 बजे से, श्रीमती MC पटेल गुजरात में है, और ये बैंक प्लांट का प्रेस का है देवास का, 28 मार्च तक में अप्लाई करना है, तो आप लोग जो है तो यहाँ अप्लाई करिए और अपनी आवाज उठाइए। देखिए, आवाज नहीं उठाओगे ना, मेरे को व्हाट्सएप करने से कुछ नहीं होता है भाई साहब, आपको आवाज उठाना पड़ेगा, या तो शो में आओ, बोलो कि रिकॉर्डिंग करो अपना, मैं कब से बोल रहा हूँ कि 2 मिनट का रिकॉर्डिंग करिए, शो में ले आइए, या शो में मैं चालू करूंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा, या आप कमेंट करिए उसमें, रगड़ करके कमेंट करिए या तो देखें, और शिकायत करिए। अगर आप शिकायत नहीं करेंगे, हर चीज के लिए शिकायत के लिए उन्होंने खोल दिया। और दूसरी बात सुनिए ध्यान से, DGD ने, आप देखिए NCBTMIS पोर्टल पे अलर्ट में चल रही है कि 10 तारीख से खुला हुआ, जो आप कह रहे हैं ना कि 4-4, 5-5 बार कर दिए, जब आपने किया था ना तब वो बंद रहता है, उसको नहीं देखा जाता, और ये 10-3 से DG स्वयं देख रहे हैं हर चीज को, उनके पास पहुंचती है पर डे कितनी शिकायत आई है, कितनी साल हुई, कितनी पेंडेंसी बची हुई है, ठीक है? और जो आप देते हो ना उसी को मैं सबूत बना करके भेजता हूं। और सुनिए, जब DG हमको न्यूज देता है ना तो रात को 10 बज जाते हैं, 10 बजे न्यूज देने के बाद ही मैं दूसरे दिन करता हूं, मैं 10 बार वीडियो नहीं बना सकता हूं। जब न्यूज हमारे पास आती है, सही न्यूज आती है, तभी मैं दिखाता हूं और सबूत के साथ में दिखाता हूं, ना डरता हूं ना वो होता हूं। अब रह गई बात, एक चीज बता दूं, ED प्रैक्टिकल के बीच में अभी और लफड़े होंगे। क्यों लफड़े होंगे? क्योंकि चढ़ोतरी चढ़ाई जाती है प्राइवेट ITI को नोडल वालों से, तो वो चढ़ोतरी चढ़ी नहीं है, लड्डू गए नहीं है, तो बहुत सारे नंबर गायब हो जाएंगे। अब M-1 का जो आ रहा है वो क्यों एब्सेंट हुआ है? या तो आपने फीस नहीं जमा की है, या आपने दादागिरी करी है, या ITI वाले ने गलती की है, उनके ऑपरेटरों ने गलती की है, तो ये तो आपको देखना पड़ेगा, जाकर के वहां बात करना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है? तो अभी भी मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले नहीं है, ज्यादा खुशी मत होइएगा, क्योंकि आपके नंबर के लिफाफे कई बार कह रहे हैं कि कोरोना के कारण गायब हो गए हैं, तो अब पता नहीं क्या नंबर वो चढ़ाएंगे कि नहीं चढ़ाएंगे। हालांकि इस पे थोड़ा सा सख्त हुए हैं, और राकेश अग्रवाल जी सख्त हुए हैं, तो कार्रवाई अब होगी, राकेश अग्रवाल जी सेक्रेटरी हैं, ठीक है ना? तो आप अपनी बात उठाओगे तो भाई साहब होगी, नहीं उठाओगे ना, मेरे को व्हाट्सएप और फोन करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, मैं इतना बता दे रहा हूँ। मैं आपकी आवाज़ उठाता हूँ और व्हाट्सएप पे मैं वही लूंगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा भाई साहब 10 बजे से 1 बजे तक, इसके बाद हमको मेल इकट्ठा करना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती, तो मैं जवाब के लिए बाध्यता नहीं हूँ। मेरे को प्लीज़ फ़ोन मत करिए आप लोग, और नहीं तो नंबर हटा दूंगा, मैं इतना बता दे रहा हूँ। आप अपनी आवाज़ जो है तो अभी 2-4-5 दिन तक मेरे को आवाज़ आती, रखने दो यार, ये 1.5 लाख लड़के फैल हैं, इनकी आवाज़ उठाने दो। मैं जानता हूँ कि नहीं होगा इनका, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि रूल रेगुलेशन इनके आगे खड़ा हुआ है कि प्रैक्टिकल में जो है तो ग्रेस नहीं मिलता है, ईडी में पहले मिलता था, लेकिन हमको उठाने तो दो, आप लोग भी उठो, तो हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, हार जाएंगे तो क्या बहुत बड़ी दिक्कत हो गई कि जिंदगी ऐसी खराब हो गई, तो इसमें कौन सी हाय तौबा है यार। और लड़ेंगे तो जीतेंगे, नहीं लड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे, सामने आओगे तो ठीक है। अभी 1,11,000 लड़के जिस दिन आ जाए हमारे साथ में, 14,000 ITI वाले आ जाए, तो फिर देख लो तमाशा है आप लोग, अब ये आपके ऊपर है। अब व्हाट्सएप पे मैंने बोला है कि आप लोग अपना नाम, अपना रोल नंबर,
सन और प्रॉब्लम इतना लिख करके छोड़ दो, मैं देख लिया तो समझ जाना कि मैं कट पे स्टाफ का कर रहा हूं और एक्सेल पे लगा रहा हूं। जवाब नहीं दूंगा, आप लोग बार बार जवाब और ये वॉइस मेल भेजना, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजना और फोटो भेजना। भैया सोचो अगर 1,500-2,000 लोगों का ये सब कुछ आएगा तो कौन सा मोबाइल जवाब देगा यार। और खाने पीने का भी मेरे को टाइम छोड़ोगे, सोने का भी टाइम छोड़ोगे, मैं 1-2 घंटे सोऊंगा भी। जनरली क्या होता है कि 1 बजे के बाद 1.30 बजे के बाद डीजी साहब ऑफिस में बैठ जाते हैं, तो मेल करो, उनको जवाब के लिए इंतजार करो, उस समय पर फोन चुपचाप शांति के साथ रखो कि किसी का फोन ना आए, कभी भी कुछ भी चीजें आ जाएंगी तो क्या करोगे। कभी जयप्रकाश सन जी को हो गया, कभी आर्यन जी का हो गया, कभी विद्यानंद जी का हो गया, कभी सुनील गुप्ता जी का हो गया, कभी संध्या मैडम का हो गया, सबको मेल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है सबको जवाब देना पड़ता है तब जा करके उठता है, और मैं उठा रहा हूँ मानो या ना मानो। कई बार मैंने मेल दिखा दिया हूं, कई बार व्हाट्सएप दिखा दिया हूं। अगर आप लोगों को नहीं मानना है तो भैया ना मानो, मेरे तरफ से राम राम, आप जानो आपका काम है। और ये आईटीआई टाक्सो जो बना है ना, ये मैं किसी के दबाव में किसी के कारण से नहीं बनाया, मेरा शौक है और मेरे भाई हैं जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं ना, उनके लिए बनाया हूँ। ये न्यूसेंस वैल्यू फैलाने वालों के लिए मैं नहीं बनाऊँ, उनसे दूर ही रहना चाहता हूँ। आज तक के लिए इतना ही। आईटीआई का ये टॉक शो देखते रहिएगा, और गर्मी आ गई है, चिड़ियों को पानी दीजिएगा, पौधों को पानी दीजिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और स्वच्छता का विशेष ध्यान दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।